बिल को लेकर राष्ट्रपति से मिला अकाली दल का प्रतिनिधिमंडल। मुलाकात कर किसान विधेयकों पर हस्ताक्षर ना करने की अपील, साथ ही इस बिल को बताया किसान विरोधी। चुनावी मौसम में पीएम मोदी का बिहार की जनता को सौगातों की बौछार। सोमवार को फिर 14,000 करोड़ से ज्यादा की दी सौगात, वहीं अब बिहार को भी मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट। सुशांत केस में एनसीबी की ताबड़तोड़ पूछताछ का सिलसिला जारी। अब सारा अली खान श्रद्धा कपूर को एनसीबी भेजेगी समन, ड्रग एंगल को लेकर करेगी पूछताछ। बिलों को लेकर शिरोमणि अकाली दल का एक प्रतिनिधि मंडल रामनाथ कोविंद से मिला और उन्होंने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि इन बिलों पर हस्ताक्षर न करें। उन्होंने इन बिलों को किसान विरोधी। संसद में कृषि विधेयकों के पारित हो जाने के बाद शिरोमणि अकाली दल ने अपना विरोध तेज कर दिया है। कृषि विधेयकों के विरोध में सोमवार को शिरोमणि अकाली दल के नेताओं का शिष्टमंडल पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस दौरान शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने राष्ट्रपति से इन विधेयकों को मंजूरी न देने की अपील की और इस बिल को किसान विरोधी बिल बताया। कि जो बिल फोर्सफुली राज्यसभा में अभी पास हुआ है, जो तीन ऑर्डिनेंस थे किसान विरोधी ऑर्डिनेंस जो फोर्सफुली राज्यसभा में पास किए हैं, उन पे साइन मत करें। देश के राष्ट्रपति जी को बेनती की है कि देश के किसान ये बिल को नहीं चाहते, ये एक देश की किसानी के खिलाफ ये बिल हैं और देश के किसानों की आवाज़ जो पार्लियामेंट में उठाई गई थी, वो पार्लियामेंट की राज्यसभा में भी आपने देखा होगा, वो क्रश करके ये बिल पास किए हैं कि इसको वापस भेजा जाए, देश के पार्लियामेंट में वापस भेजा जाए और इस सेलेक्ट कमेटी को दी जाए, जहां जो पार्लियामेंट के मेंबर अक्रॉस पार्टीज की कमेटी हो, जो इन बिलों में फिर से विचार करकर जो किसानों की शंकाएं हैं कि कॉरपोरेट घराने बेचारे किसानों की फसलें को उठा के ले जाएंगे सस्ते भाव में, उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर लेंगे और जो बेचारे किसान हैं, जो एक एकड़ के दो एकड़ के किसान हैं, वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के कैसे लड़ सकेंगे। दरअसल किसान बिल का विरोध अब विपक्ष के साथ साथ एनडीए में शामिल पार्टी भी करने लगी है। इससे पहले भी किसान बिल को लेकर ही एनडीए की सहयोगी दल की नेता हरसिमरत कौर ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था, तो वही अब अकाली दल के डेलीगेशन ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर इस बिल को लेकर विरोध दर्ज कराया है। सोमवार को एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 14,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी, साथ ही सड़कों और पुलों से जुड़ी 9 परियोजनाओं का उद्घाटन। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के चलते सियासी माहौल गर्मा गया है। इस बीच मोदी सरकार लगातार बिहार को खास सौगात देने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन राजमार्ग परियोजनाओं पर 14,258 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वहीं बिहार के सभी 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर योजना का भी उद्घाटन किया। 21वीं सदी का भारत, 21वीं सदी का बिहार अब पुरानी कमियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। आज देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर बल दिया जा रहा है। अब हाईवे इस तरह बन रहे हैं कि वो रेल रूट को एयर रूट को सपोर्ट करें। 21वीं सदी का भारत, 21वीं सदी का बिहार अब इन सारी पुरानी कमियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। आज देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर बल दिया जा रहा है। अब हाईवे इस तरह बन रहे हैं कि वो रेल रूट को, एयर रूट को सपोर्ट करें। रेल रूट इस तरह बन रहे हैं कि वो पोर्ट से इंटरकनेक्टेड हो, यानी सोच यही है कि यातायात का एक साधन दूसरे साधन को सपोर्ट करे। इससे लॉजिस्टिक को लेकर भारत में जो समस्याएं रही है वो भी बहुत हद तक दूर हो जाए। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, कृषि क्षेत्र में इन ऐतिहासिक बदलाव के बाद
कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं। कृषि क्षेत्र में इन ऐतिहासिक बदलावों के बाद, इतने बड़े व्यवस्था परिवर्तन के बाद, कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं। ये वही लोग हैं जो बरसों तक एमएसपी पर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को अपने पैरों के नीचे दबाकर बैठे रहे। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे। विगत दो सप्ताह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के विकास के लिए अनेक नई नई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को सौगात मिलने का सिलसिला जारी है। एनडीए की रणनीति है कि वो इन अहम परियोजनाओं के सहारे चुनाव में लाभ कमा सके। सिंह राजपूत केस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। सीबीआई की टीम की एम्स के मेडिकल बोर्ड से मंगलवार को एक मीटिंग होनी है, साथ ही एनसीबी की जांच भी लगातार आगे बढ़ रही है। और इसी क्रम में आपको बता दें, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को एनसीबी इस हफ्ते पूछताछ के लिए समन भेज सकती है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच कर रही सीबीआई के साथ एम्स का मेडिकल बोर्ड मंगलवार को एक बैठक करेगा। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में एजेंसी और मुंबई गई सीएफएसएल की टीमों की जांच से निकले निष्कर्षों के आधार पर आगे की जांच की जाएगी। 6 अगस्त से सुशांत की मौत के मामले की जांच कर रही सीबीआई पहले भी ऑटोप्सी की रिपोर्ट के अध्ययन में एम्स की फॉरेंसिक टीम की मदद ले चुकी है। ये रिपोर्ट कूपर अस्पताल की तरफ से दी गई थी। डॉक्टर सुधीर गुप्ता की अगुवाई में एम्स की फॉरेंसिक टीम ने एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया है और टीम ने सुशांत के बांद्रा फ्लैट का दौरा भी किया था। इस दौरान पूरा क्राइम सीन फिर से क्रिएट किया गया था। वहीं इस मामले में एनसीबी की जांच भी लगातार आगे बढ़ रही है। और एक बड़ी बात ये कि इस हफ्ते सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को पूछताछ के लिए एनसीबी समन भेजेगी। बहरहाल एक के बाद एक इस मामले में नए नए नाम सामने आकर चौंका रहे हैं। कोरोना काल में सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहने वाले डॉक्टरों को ही अगर वेतन ना मिले तो सोचिए उन पर क्या बीतेगी। जी हां, कस्तूरबा गांधी अस्पताल के स्टाफ को पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। उसके बाद नगर निगम के खिलाफ उन्होंने खुलकर हल्ला बोला। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जूझ रही है। अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों की कमी है, लेकिन फिर भी कोरोना योद्धा लोगों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वहीं एक अस्पताल ऐसा भी है जहां डॉक्टरों को 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कस्तूरबा गांधी अस्पताल में सैलरी नहीं मिलने से नाराज नर्स पिछले एक हफ्ते से 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पर बैठी है। वहीं अब स्ट्राइक में सोमवार को ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारी भी सैलरी नहीं मिलने के चलते स्ट्राइक में शामिल हो गए हैं, जिसके चलते अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं और नगर निगम के खिलाफ डॉक्टरों ने जमकर नारेबाजी की और सबकी मांग है कि उनकी सैलरी दी जाए ताकि वो अपना खर्चा चला सके। कर्मचारी या इवन कोई भी बंदा क्यों नौकरी करने आता है घर से बाहर, 2 पैसे के लिए, अपने बच्चे पालने के लिए? 4-4 महीने वेतन नहीं दिया जाएगा, उसके बाद ही हमसे दिन की रात की 24 घंटे की ड्यूटी की उम्मीद करते हैं कि मरीजों की सेवा की जाए। जो हम अपने पैसे भर के किराया भर के नौकरी करने आ रहे हैं तो वो कहाँ से करेंगे? 4-4 महीने हमारे पास वेतन नहीं होगा, अपने बच्चों के लिए पैसा नहीं होगा, अपने बच्चों की फीस भरने के पैसा नहीं होगा, मजदूर जो लोगों के पास किराया भरने को पैसा नहीं होगा, वो मजदूरों मरीजों की कैसे सेवा की जाएगी? उससे पूरी हमारे से ईमानदारी से सोचते हैं कि ईमानदारी से सेवा की जाए, पूरा अपने टाइम टू टाइम ड्यूटी की जाए। हमारी ELCL सब बंद है, छुट्टी नहीं मिलेगी आपको, आपको ड्यूटी आना है, नौकरी करनी है। हमारा ये दिक्कत है कि हम किसी से उधार लेने की हमारी जबान नहीं है कि हम किसी से कहें जी हम 10 तारीख को पैसे आपसे ले लेते हैं, वापस दे देंगे। 10 क्या, 20 क्या, 30 क्या, हमें तो महीना ही नहीं पता हो कि हम किस महीने में आपको पैसे उधार मांग रहे हैं तो कब वापस भी किए जाएंगे। MCD कर्मचारी की इतनी बुरी वाली इज्जत हो गई है कि कोई किराया तो छोड़ उधार देना भी हमें गवारा नहीं करता है।
मरीजों को परेशानी हमारी तरफ से ना के बराबर है, क्योंकि अभी हमारा प्रदर्शन केवल 2 घंटे का है और उसमें भी इमरजेंसी सर्विसेज हमारी चल रही हैं। लेकिन अगर मरीजों को कोई भी परेशानी होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है, क्योंकि प्रशासन के लिए ही हमारे घर कहाँ से चलेंगे, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। प्रशासन अपने कर्मचारियों को देखे, अगर रोटी ही नहीं होगी तो भूखे पेट कैसे कर्मचारी काम करेगा। 1 महीना 2 महीना लेट चलता है, लेकिन 4-4 महीने के बिना वेतन से कौन काम करेगा। विकल्प हमारे पास कुछ नहीं, प्रदर्शन के अलावा हमारे पास क्या विकल्प है, कर्मचारी के पास क्या विकल्प है। कर्मचारी के ऊपर जब मर्जी डंडे पड़वा सकते हैं, जब मर्जी स्ट्राइक तुड़वा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं प्रशासन। अब 4 महीने की सैलरी नहीं है, पहले 1 महीने की नहीं थी, अब 4 महीने की नहीं है, हमारे पास प्रदर्शन के अलावा क्या चार अवस्था है। बिल्कुल ठप नहीं हुई है, जो इमरजेंसी सर्विस है वो चालू है, लेकिन ये 10 से 12 जो है हमारा एक प्रदर्शन है, ताकि हमारी आवाज़ ऊपर तक जा सके और हमारे लिए कुछ वेतन की व्यवस्था हो। दिक्कत बहुत आ रही है, घर का कुछ भी जो हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही है, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है, हमें यहाँ आने में ऑफिस आने में भी पेट्रोल लगता है, वो भी हम नहीं डाल पा रहे हैं अपने इसमें, बसों में सफर करना पड़ रहा है, हम अपने व्हीकल घर छोड़ के आते हैं, तो समस्या है। तो बहरहाल कस्तूरबा गांधी अस्पताल में स्टाफों के सामने अपना खर्च और अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है और सबने नगर निगम से बस एक ही आस लगाई हुई है कि उनकी पिछले 4 महीने से रुकी सैलरी मिल जाए। वजह से हुए लॉकडाउन का असर हर जगह देखा गया, व्यापार कारोबार हर किसी पर इसका असर देखने को मिला, यहाँ तक कि अखाड़ों में भी कोरोना का कहर नजर आया। लेकिन अब 6 महीने बाद फिर से अखाड़ों में पहलवानों ने लौटना शुरू कर दिया। लॉकडाउन से पहले इस अखाड़े से अलग अलग राज्यों में दंगल में कुश्ती करने के लिए पहलवान जाया करते थे। हाल ये था कि हफ्ते में अधिकतर दिन पहलवान कुश्ती ही किया करते थे, लेकिन कोरोना काल में अब सभी पहलवान घरों पर बैठने को मजबूर हो चुके हैं। कोरोना महामारी के चलते लगी पाबंदियों से पहलवानों के जीवन पर बहुत फर्क पड़ा है, प्रैक्टिस हो ही नहीं पा रही है। इस पे हमको बहुत कठिनाइयों को सामना करना पड़ा, हमको बहुत ज्यादा बच्चे आए हैं इस संग, जिन्होंने प्रैक्टिस करी, किसी के सर में दर्द हो रहा, किसी कमर में दर्द हो रहा, तो सब थकावट मान रहे हैं, एक संग पहलवानी कर रहे हैं, तो इस वजह से अभी हमको पूरी तरह से छूट नहीं दी गई है। हम चाहते हैं हमको पूरी तरह से छूट दी जाए, क्योंकि हम बच्चे को दोबारा उसी पटली पर लेकर आएँ जहाँ पहले थे बच्चे, लेकिन हमें उम्मीद है हमारे बच्चे 2 महीने में फिट हो जाएंगे, 2-2.5 महीने में फिट हो जाएंगे, हमें टाइम मिलेगा कमीशन का, हमारा नेशनल भी आने वाला है, तो इसलिए हमें टाइम दे रही है, सरकार भी हमारा साथ है, वो हमें टाइम दे रही है, पूरी बोल रहे हैं टाइम दे जाएगा आपके लिए पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरी कुश्ती लड़ो, जहाँ तक आप लड़ जाओ वहाँ तक पूरा लड़ो, आप तैयारी करो, हमारे तैयारी के लिए टाइम दिया जा रहा है पूरा पूरा, इसलिए हम बच्चे को ले जाए धीरे धीरे करके, अभी हम पार्क में जाते हैं अपोलो पार्क में, वहाँ प्रैक्टिस करवा रहे हैं बच्चों। बहरहाल अब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारतीय कुश्ती संघ से मान्यता प्राप्त दिल्ली का गुरु जसराम अखाड़े में कसरत करने के लिए पहलवानों ने आना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन से पहले रोजाना करीब 100 पहलवान आकर कसरत किया करते थे, लेकिन इस वक्त अखाड़े में मुश्किल से करीब 20 पहलवान ही कसरत करने आ रहे हैं। बता दें कि इस अखाड़े से ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, अर्जुन और ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित कई पहलवान हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.